हे गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2017 के बारे में। एसएससी एमटीएस के टायर वन के रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए हैं, तो इस वीडियो में हम उस सवाल के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही कटअप क्यों हुआ, स्टेट वाइज कटअप क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या एक ओबीसी कैंडिडेट जनरल के लिए एलिजिबल है। और लास्ट में बात करेंगे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिस्ट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आगे की वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही कटअप क्यों हुआ, स्टेट वाइज कटअप क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप नंबर 3 पर देख सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, देयरफॉर ओनली वन ऑल इंडिया कॉमन कट ऑफ हैज़ बीन फिक्स्ड। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ने एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई किया है, इसकी वजह से एसएससी ने ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही कटअप निकाला है। और इसके बारे में हमने एमटीएस के एक्सपेक्टेड कटअप के वीडियो में पहले ही बताए थे कि इस बार ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सारे स्टेट के लिए अप्लाई किया है, इसलिए हो सकता है कि एसएससी ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही कटअप निकाले। और इसके बारे में जो सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि स्टेट वाइज कटअप के बारे में बताया गया था, तो मैं आप सभी को ये बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि इस चैनल पर कभी भी ये नहीं बताया गया कि स्टेट वाइज कटअप निकलेगा। हमने इसके बारे में हर वक्त यही कहा है कि ये एसएससी के हाथ में है, किसी को क्लियरली नहीं पता। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, आरटीआई रिप्लाई बोलकर आप लोगों को बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या एक ओबीसी कैंडिडेट जनरल के लिए एलिजिबल है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, ओबीसी कैंडिडेट हो या एससी कैंडिडेट हो या एसटी कैंडिडेट हो, ये सारे कैंडिडेट जनरल के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जो यूआर है, यूआर का मतलब आप जनरल समझते हैं, लेकिन यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, यानी ये किसी के लिए भी रिजर्व्ड नहीं है। यानी यूआर में एससी भी घुस सकता है, एसटी भी घुस सकता है और ओबीसी भी घुस सकता है, लेकिन कोई भी एसटी ओबीसी में या फिर कोई भी एससी एसटी में नहीं घुस सकता है, क्योंकि ये सारे रिजर्व्ड है, लेकिन जनरल जो है ये अनरिजर्व्ड है। ओके, मैं आपको इसके बारे में एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। सपोज़ किसी भी ओबीसी कैंडिडेट को मिला है 115, तो ओबीसी का कट ऑफ है ओनली 101, तो फिर ये कैंडिडेट ओबीसी के लिए तो एलिजिबल है ही। नेक्स्ट देखिए, जनरल के लिए जो कट ऑफ है 110.5, तो फिर ये कैंडिडेट जनरल के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि ये जनरल का कट ऑफ भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन ये कैंडिडेट जो है ये सबसे पहले एलिजिबल होंगे ओबीसी के लिए, अगर ओबीसी में नहीं हुआ तो फिर ये कैंडिडेट जनरल में चले आएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए 44,683 ओबीसी कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइंग एट यूआर स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है 44,683 ओबीसी कैंडिडेट का मार्क्स 110.5 से ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिस्ट के बारे में। यहाँ पे आप जो लिस्ट देख रहे हैं ये सेंट्रल रीजन का है, तो लिस्ट में आपको आपका रोल नंबर मिलेगा, आपका नाम मिलेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, एंड आपने जो सारे स्टेट्स के लिए अप्लाई किया है उन सारे स्टेट का कोड मिल जाएगा। और अगर आप क्वालिफाई किए हैं टायर वन में, तो आपका नाम सिर्फ एक ही रीजन के लिस्ट में आएगा, सारे रीजन के लिस्ट में नहीं आएगा। तो आप चाहे तो आपके रीजन के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे रीजन के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया हुआ है। और जो सारे स्टूडेंट्स टायर वन में क्वालिफाई किए हैं उन सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, और उन सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप टायर टू के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, अभी से फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में मत सोचिए। ओके, सो ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारे जानकारियाँ मिली है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
आपका कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। MTS के टायर 2 के लिए प्रिपरेशन लेते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।